किसानों के समर्थन में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कहा सरकार गिनाना चाहती काले कानून के फायदे, एनडीए सरकार को किसानों से मतलब नहीं। कोरोना वैक्सीन की पहचान के लिए केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, राज्यों को भेजा अलर्ट, भारत में अभी लगाई जा रही है 3 वैक्सीन। ओवल टेस्ट में भारत की परेशानी बढ़ी, इंग्लैंड को मिली है बेहद शानदार शुरुआत, इंग्लैंड को आखिरी दिन जीत के लिए 291 रन बनाने की जरूरत। अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिकी नागरिकों से भरे 4 विमान जबरन रोके, अमेरिकी कंपनियों के अफगान कर्मचारी भी थे विमान। तमिलनाडु में आज चुनाव आयोग ने बुलाई मान्यता प्राप्त पार्टियों की बैठक, 9 नए बंटे जिलों में ग्रामीण स्थानीय चुनाव पर होनी है चर्चा। तालिबान को लेकर यूएन के बदले सुर, बरादर से मुलाकात के बाद अधिकारी ने कहा जारी रखेंगे समर्थन। इटली में G20 समूह के स्वास्थ्य मंत्रियों से मिले मनसुख मंडाविया, दवा कंपनियों को निवेश के लिए किया आमंत्रित, यूके ने भारत के कोविड-19 प्रबंधन की सराहना की। पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना लाभार्थियों से करेंगे चर्चा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य कर्मियों से होगी पीएम मोदी की बात। अफगानिस्तान संकट पर पाकिस्तान के पीएम इमरान ने कहा अफगानिस्तान में शरणार्थियों की मदद कर रही है पाकिस्तान सरकार। बिहार में गरमाई सियासत, तेज प्रताप ने किया ऐलान, बनाएंगे छात्र जनशक्ति परिषद, बीजेपी ने तेज प्रताप पर कसा तंज।